हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। नया चैनल सब्सक्राइब किया आपने? एम ब्लॉग्स की तरह ही एक एम टेक के नाम से मैंने चैनल बनाया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस चैनल पे विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। उस चैनल के ऊपर भी एम ब्लॉग्स चैनल की तरह ही आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहेंगे, तो आप दोनों चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो में रियलमी एसीज के ऊपर। जी हाँ, रियलमी के अब एसी आ चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग एक साल हो गया होगा, उसमें मैंने आपको बोला था कि अब हर ब्रांड आपको एसी बनाकर देने वाला है। ओप्पो के एसी आएंगे, रियलमी के आएंगे, वीवो के आएंगे, वन प्लस के आएंगे। अब ऐसा होता दिख भी रहा है। पिछले साल आपने देखा होगा कि नोकिया के एसी आए थे, मोटोरोला के एसी आए थे, उसके बाद थॉमसन के एसी आ गए और अब आ गया रियलमी का एसी। अब हो सकता है कि वन प्लस का भी आ जाए और भी जितनी कंपनीज हैं उनके भी आ जाएं। बेसिकली ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये ज़्यादातर फ्लिपकार्ट ही करता है, और फ्लिपकार्ट इसलिए करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए। और इन सब ब्रांड, जितने भी ये ब्रांड के एसी आपको मिलते हैं, जो अप्लायंसेस से मतलब उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। नोकिया आया, फ़ोन की कंपनी थी वो, ठीक है, वो कहाँ एसी बनाएगी और ना ही बनाते हैं। मोटरोला का भी यही सीन है और अब रियलमी। तो ऐसे में ये जो कंपनीज हैं, इनके जो अलग हैं काम, लेकिन इनके नाम से या इनकी ब्रांडिंग से आपको एसीज मिल जाते हैं और फ्लिपकार्ट उनको सेल करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आफ्टर सेल सर्विस भी फ्लिपकार्ट ही देखता है। आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको उन्हीं का वेबसाइट मिलेगा। तो ऐसे में आप ये समझ के चलिए कि जैसे इनका मार्क्यू एसी आता था पहले, उसके बाद फिर नोकिया, मोटरोला और अब ये रियलमी, हो सकता है आगे और भी आ जाए। तो नाम चेंज कर करके ये अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला रहे हैं और मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एसी बेच सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मार्क्यू एसी, अब कोई कहीं पर नाम नहीं है, कोई ख़रीदता भी नहीं होगा शायद, और नोकिया, मोटरोला, इनकी बहुत ज़्यादा हाइप चली थी पिछले साल, शायद मैंने भी वीडियो बनाया था एक, आपने देखा होगा। तो उस टाइम हो सकता है कि कुछ लोगों ने ख़रीदा हो, टीवी वगैरह भी आए थे इनके, लेकिन अब नोकिया मोटरोला को कोई नहीं जानता, ना उनकी कोई बात करके राजी है। और जब उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है तो वहाँ पर सर्विस, उसकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह की क्या बात करेगा कोई। सिमिलरली अब रियलमी का एसी आ गया है, अब इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ले लिया हो, बहुत सारे लोग लेंगे क्योंकि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वट अबाउट आफ्टर सेल सर्विस? क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी ब्रांड की अच्छी नहीं है तो वो फिर ब्रांड मार्केट में टिक नहीं पाता है, और ऐसा ही नोकिया, ये मोटरोला और मार्क्यू वगैरह के साथ ऐसा होता आया है, और उम्मीद करूंगा कि रियलमी के साथ ऐसा ना हो। बट रिव्यूज़, कस्टमर के रिव्यूज़, और मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पर मैसेज आते हैं, तो उनसे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक तो कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ही निल है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए भी लोग 10-10, 15-15 दिन वेट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट इंस्टॉलेशन सर्विस नहीं है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस का तो अब आप सोच ही लीजिए। बहरहाल मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, एसी की डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। एसी की डिटेल्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रियलमी का एसी ले रहे हैं तो आपको इन्वर्टर एसी के ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रियलमी ब्रांडिंग के साथ जो एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर एसी हैं ओनली। और अगर आप विंडो एसी ढूंढ रहे हैं तो भी आपको रियलमी में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि रियलमी ऑफर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर, और तीन मॉडल हैं इनके पास। एक है 1 टन कैपेसिटी में जो 4 स्टार रेटिंग में आता है, और 2 मॉडल है इनके 1.5 टन कैपेसिटी में, एक 4 स्टार रेटिंग का और एक 5 स्टार रेटिंग का। अब यहां पर एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि आज ये वीडियो जुलाई मंथ में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और जैसे कि मैं आपको बहुत पहले ही अपने चैनल के ऊपर बता चुका था कि 1 जुलाई 2022 से BEE के स्टार रेटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं एयर कंडीशनिंग के मामले में, तो अब 1 जुलाई 2022 के बाद से सभी 5 स्टार एसी जो कि बिलो 5 आईशियर के थे, वो सभी के सभी 4 स्टार रेटिंग में काउंट होने लगेंगे, और यही चीज़ इन एसीज के ऊपर भी लागू होती है। इनके जो एसी आपको 5 स्टार लिखे हुए मिल रहे हैं या 5 स्टार लेबल के साथ मिलेंगे, उनको अब आप 4 स्टार रेटिंग में काउंट करेंगे, और ये चीज़ बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में फ्लिपकार्ट के ऊपर मेंशन भी की हुई है, ठीक है। और जो इनका 4 स्टार का एसी है वो अब 3 स्टार में आप मान के चलेंगे, क्योंकि जुलाई 2022 के बाद 4 स्टार वाले 3 स्टार हो गए हैं और 5 स्टार वाले 4 स्टार हो गए हैं। तो अब फिलहाल की अगर बात करें तो रियलमी के पास कोई भी ऐसा एसी नहीं है जो कि 5 स्टार स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरे, तो इनके पास है 3 स्टार और 4 स्टार मॉडल्स।
तो मॉडल्स की बात तो हो गई है, अब बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स की। तो सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि ये कन्वर्टेबल फीचर के साथ आते हैं और 4-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप इसकी कूलिंग को या फिर टनेज को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, 4 मोड आपको मिल जाते हैं और ये चीज़ आपको मैनुअल मिल जाएगी, यानी कि आप रिमोट से एडजस्ट कर सकते हो इसके ये कूलिंग मोड्स। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां पर ऑटो कन्वर्टेबल फीचर होता है तो आप मैन्युअली नहीं उसको सिलेक्ट कर सकते, लेकिन जैसे एलजी में आपको मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन से मोड पे चलाओगे, 40% कैपेसिटी पे चलाओगे, 50 पे चलाओगे, 100 पे चलाओगे। सिमिलरली आपको रियलमी के एसीज में भी कन्वर्टेबल मोड को मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिमोट के ऊपर एक डेडिकेटेड की दिया हुआ है, उससे ये सारा कुछ हो जाएगा। अब इनके बेशक आप 3-star एसी की बात करो या 4-star एसी की बात करो, 1-ton की बात करो या 1.5-ton की बात करो, इन सभी एसीज के अंदर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाला सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिलेगा। जी हाँ, सिंगल रोटरी कंप्रेसर इनके अंदर आपको मिलने वाला है। इसके कॉइल्स की अगर बात करें तो कॉइल्स इसके आपको कॉपर के मिलने वाले हैं, इंडोर में भी और आउटडोर में भी, यानी कि कॉपर के कॉइल्स आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने कम प्राइस पे भी आपको कॉपर के कॉइल्स मिल रहे हैं। और जो फिन्स रहेंगे दोनों के, यानी कि आउटडोर के और इनडोर के जो कॉइल्स हैं उनके जो फिन्स होते हैं वो आपको ब्लू कलर से कोटेड मिलेंगे, यानी कि ब्लू कोटिंग आपको उनके ऊपर मिलेगी, यानी कि वो एंटी कोरोसिव रहेंगे लंबे समय तक। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको कॉपर की कॉइल्स मिल रही हैं और उसके ऊपर ब्लू कोटिंग भी मिल रही है। देन इन्वर्टर एसी है तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। मिनिमम 165 वोल्ट से मैक्सिमम 265 वोल्ट का अगर वोल्टेज रेंज रहेगा या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन या ड्रॉप रहेगा आपके यहाँ पर, देन यू डोंट नीड टू बाय अ सेपरेट वोल्टेज स्टेबलाइजर। लेकिन अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज इससे ज़्यादा ड्रॉप होती है या इससे ज़्यादा सर्ज होती है, देन यू डेफिनेटली नीड ए बेस्ट क्वालिटी वोल्टेज स्टेबलाइजर, और उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रेफ्रिजरेंट की अगर बात करें तो आजकल दो गैसेस ज़्यादा फेमस हैं एयर कंडीशनर्स में, एक R410A और R32। और ज़्यादातर एसीज में आपको R32 गैस ही मिलती है और R32 गैस बढ़िया गैस है, कूलिंग भी अच्छी होती है उससे और एनर्जी सेविंग भी होती है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है सब कुछ। और अच्छी बात ये है कि रियलमी के जो एसी हैं उनके अंदर आपको R32 गैस मिलती है और इसके अंदर आपको डस्ट फिल्टर मिलते हैं, कोई एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, सिर्फ डस्ट फिल्टर लगाया गया है। सेल्फ क्लीनिंग का यहाँ पर फीचर दिया गया है, ऑटो क्लीन भी आप उसे कह सकते हैं, हालांकि वो वैसा ऑटो क्लीन या सेल्फ क्लीन नहीं है जैसा कि हायर में मैंने आपको बताया था या फिर डाइकिन ने अभी दिया है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस यही है कि आप जब एसी को रिमोट से बंद कर देंगे तो उसके बाद भी कुछ सेकंड्स के लिए जो ब्लोअर है वो घूमता रहेगा जिससे कि कॉइल ड्राई हो जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। बट ये उस लेवल का नहीं है जैसा कि हायर या फिर डाइकिन या फिर और भी ब्रांड हैं जो ऑफर करते हैं ये चीज़ें, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको एरर कोड मिल जाएंगे डिस्प्ले के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन एसीज में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो ये एसी हैं ये 3 मॉडल में अवेलेबल हैं, 1-ton, 1.5-ton 4-star और 1.5-ton 5-star। तो इनके आईशेयर वैल्यू की अगर बात करें तो इनका 1.5-ton का जो एसी है 5-star रेटिंग का, उसकी आईशेयर वैल्यू है 4.71 एंड दैट इज गुड इनफ, क्योंकि 4.7 आईशेयर ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए कि पैनासोनिक के एसीज में आपको लगभग इतनी ही मिलती है, या अमेजॉन बेसिक्स के जो एसी होते हैं या जो भी एवरेज एसी हैं जिनके प्राइस रेंज थोड़ा कम रहता है, उन मॉडल्स के कंपैरिजन में इसकी आईशेयर वैल्यू बिल्कुल ठीक है 4.71। और कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें 5-star मॉडल की तो 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है, और ये 1.5-ton बोलते हैं उसको, बट एक्चुअली वो जो एसी है वो 1.45-ton का एसी है। अब बात करते हैं 1.5-ton 4-star रेटिंग वाले एसी की, तो 1.5-ton 4-star रेटिंग का जो एसी है उसकी आईशेयर वैल्यू है 4.12, और ये एसी इनके हिसाब से 4-star रेटिंग में है, बट अब ये 3-star रेटिंग में काउंट होएगा, और जो अभी मैंने बताया 5-star वाला अब वो 4-star में काउंट होएगा क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो अपग्रेड हो गए हैं BEE द्वारा। और अब बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी की 4-star वाले मॉडल की, तो इनका 1.5-ton 4-star रेटिंग का जो मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 5150 वाट, दैट मीन्स वो मॉडल 1.46-ton का है। अब बात करते हैं 1-ton
फोर स्टार रेटिंग वाला जो एसी है उसकी आयशर वैल्यू आपको मिलने वाली है 4.13। ये भी अब आपको थ्री स्टार रेटिंग में ही काउंट होगा। और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 3450 वॉट, और ये एसी 0.98 टन का एसी है। तो यहाँ पर टनेज के हिसाब से, कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन एसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करेंगे ये। और 4.7 का आईशेयर है तो पावर सेविंग का बेनिफिट भी आपको मिल ही जाएगा इनसे। और अब बात करते हैं बहुत ही मेन चीज की, और वो है इसकी वारंटी। Realme का कोई भी एसी अगर आप लेंगे तो उस एसी के ऊपर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलेगी और 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी इसके इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर। जी है, तो ये है सारी चीजें Realme के एसी के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉज की और कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रॉज की बात करें तो सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी और जो आप लोगों को भी लग रही है, एंड दैट इज प्राइस। इसका प्राइस जो रेंज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 33,000 में आपको 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग का एसी अगर आपको मिल जाए, सॉरी 4 स्टार रेटिंग का, क्योंकि अब हम जुलाई 2022 में हैं, तो ये कोई बुरी डील नहीं है। आप ले सकते हो इसको अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो, या फिर आप डाइकिन पे, मिट्सुबिशी पे, एलजी पे नहीं जा सकते हो क्योंकि वो बजट ज़्यादा हो जाता है, 40,000 से ऊपर आपको ही मिलते हैं एसी अच्छे वाले। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है और आप एसी लेना चाहते हो, देन यू कैन बाय दिस। दूसरी बात इसमें अच्छी ये लगी कि इसके अंदर आपको मैनुअल कन्वर्टेबल फीचर मिल जाता है। आप रिमोट से एक बटन प्रेस करके इसकी टनेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ एनर्जी सेविंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। देन कम टू इट्स कॉइल्स। कॉइल्स इसके कॉपर के मिल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रेसिव, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको एल्यूमिनियम का कंडेंसर भी दिया जा सकता था, बट नहीं, Realme आपको कॉपर का ही कंडेंसर दे रहा है और उससे कूलिंग एफिशिएंसी अच्छी बनी रहती है। और उन कॉइल्स की फिन्स के ऊपर आपको ब्लू कोटिंग भी मिल जाती है जिससे वो एंटी कोरोसिव बनी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रॉज में मैं काउंट करूंगा। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स भी सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में आपको तारीफें ही मिलेंगी, लेकिन कॉन्स भी सुनना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सबसे बड़ा कॉन मुझे ये लगा कि इन्होंने, अब जमाना ड्यूल रोटरी का है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपने एसी के अंदर सिंगल रोटरी कंप्रेसर का यूज़ किया है। सिंगल रोटरी कंप्रेसर का यूज़ किया है तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसमें नॉइज़ ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी कम होती है। तो ये हो सकता था यार कि 1,500 रुपये और ले लेते, 2,000 रुपये और ले लेते, ट्विन रोटरी कंप्रेसर इनको ज़रूर लगाना चाहिए था क्योंकि आजकल वही चल रहा है, लेकिन इन्होंने सिंगल रोटरी लगाया है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने सिर्फ डस्ट फिल्टर दिए हैं अपने एसीज के अंदर, सिर्फ डस्ट फिल्टर दे रहे हैं ये, जबकि आजकल मरे से मरे एसी में भी आपको PM2.5 फिल्टर मिल जाता है, कोई एक्टिव कार्बन फिल्टर मिल जाता है, मतलब एडवांस लेवल के फिल्ट्रेशन सिस्टम इनको एक आधा तो कोई देना ही चाहिए था, क्योंकि आजकल आप सब समझ रहे हो कि अभी हम कोरोना के दौर से निकले हैं, सबको डर है कि हम वायरस से बचे रहें और कोई बीमारी ना हो जाए हमें। तो ऐसे में एक अच्छा प्यूरिफिकेशन सिस्टम या फिर अच्छे एयर फिल्टर्स इस कंपनी को अपने एसीज में ज़रूर लगाने चाहिए थे। हो सकता है कि इनके एसी धड़ल्ले से बिके और उसके बाद ये चीज़ इम्प्रूवमेंट करें इसमें, लेकिन इनिशियली अगर करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले ही प्रोडक्ट में अगर कोई कमियां हैं तो फिर लोग उसको निग्लेक्ट करने लगते हैं। बट स्टिल चलिए, अभी मेरे पास 2-3 कॉन्स और हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉन एक और है जो है PCB वारंटी को लेकर के। जैसे कि अब ये एक इन्वर्टर एसी है और इन्वर्टर एसीज की जो आउटडोर में PCB लगी होती है वो हमेशा थ्रेड पर रहती है, और जब कभी वो ख़राब हो जाए तो 8,000-10,000-15,000 रुपये भी लग जाते हैं। तो ऐसे में PCB वारंटी इनको ऑफर ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि अब हर ब्रांड जो नहीं भी करता था, अब वो ब्रांड भी 5-5 साल की PCB वारंटीज़ ऑफर कर रही हैं। इससे इनका हो सकता है प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता, लेकिन इस चीज़ से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ती है कि हाँ हमें वारंटी मिल रही है PCB के ऊपर, तो और ज़्यादा कस्टमर इनके पास आते। बट अनफॉर्चुनेटली ये PCB के ऊपर वारंटी नहीं ऑफर कर रहे हैं, और ये इनका एक बहुत बड़ा कॉन है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने कोई इन्वर्टर एसी लेना है तो आप PCB वारंटी को जरूर कंसीडर कीजिए। अब लास्ट में बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस Realme की कैसी रहेगी या कैसी है, ये आपको मिले जुले मिलेंगे इसमें आपको रिव्यूज, लेकिन ज्यादातर जो रिव्यूज आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नेगेटिव।
यहां तक कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि इंस्टॉलेशन के लिए भी कुछ जगहों पे इनके पास टीम्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप एसी खरीद लोगे एकदम से वो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी नया लॉन्च हुआ है, हो सकता है फ्लिपकार्ट ही देख रहा हो सारा कुछ, और फ्लिपकार्ट की सर्विस इतनी ही अच्छी होती तो इनका मार्क्यू क्यों बंद होता, फिर नोकिया मोटरोला ये सब फेल ही मान लो इनको, क्योंकि अब ये दिखते नहीं है बाजार के अंदर और ना ही इनकी कोई बात करता है। तो अब रियलमी का ये हाल ना हो तो फ्लिपकार्ट को चाहिए कि सर्विस बिल्कुल प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, बट ऐसा फिलहाल तो है नहीं, क्योंकि सर्विस के मामले में रिव्यूज़ जो हैं लोगों के वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर है या आपको पता है कि आपके आसपास कोई सर्विस सेंटर है जो रियलमी के एसीज भी रिपेयर करते हैं या सर्विस करते हैं, उनके पास उनका ऑथोराइज सेंटर है, तब तो आप इस एसी को हाथ डाल लीजिए, अदरवाइज़ फिर मैं कहूँगा कि आप इनसे दूर रहिए। क्योंकि रियलमी एसीज या फिर नोकिया मोटरोला मार्क्यू ये जितने भी एसीज हैं, इनसे बहुत बेटर एसीज आपको और कंपनीज में भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक पॉइंट बहुत ही एडवांटेज लेकिन हाँ एक पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप रियलमी का एसी ले सकते हो, एंड दैट इज़ प्राइस। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप ये एसी ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई और एसी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस वगैरह में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद फिर आप हो सकता है कि परेशान हो जाओ कि यार ये हमने क्यों ले लिया। अदरवाइज़ प्रॉस भी काफ़ी हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा एसी लेते हैं, अपने एरिया में सर्विस वगैरह इसकी चेक कीजिए, अगर सब कुछ ओके है तो आप ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमटेक नाम से एक चैनल ओपन हो गया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर विजिट कीजिए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, उस चैनल के ऊपर भी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।